मेरा कोट, यहाँ मेरा कोट। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी फाइल उठा देती हूँ। या मेरे कपड़े चले गए हैं। ये लो तुम्हारी फाइल। थैंक यू सो मच यार। पता है ना, आज ना मेरा इंटरव्यू था, लग गया मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इंटरव्यू देने कैसे जाऊंगी। अरे कोई बात नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे भी आजकल का मॉडर्न जमाना है, ये सब तो चलता है, तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। सर मैं आई कम इन? यस कम इन। हैव सीट। वैसे आप कौन? सर मैं रिया, आपसे बात हुई थी इंटरव्यू के लिए। अच्छा थॉप रिया हो, वैसे आप इंटरव्यू देने आए हो यहाँ पे? लगता है आपको पता नहीं कि इंटरव्यू देने आते कैसे। एक प्रॉपर फॉर्मल्स पहन के आते हैं इंटरव्यू देने, और आपने क्या पहन रखा है? यहाँ पे हमें एक एचआर चाहिए, ना कि कोई मॉडल, ठीक है? तो आइंदा से आप ध्यान रखना कि इंटरव्यू देने ऐसे नहीं आते, और ना ही ऐसे हालात में और ऐसे कपड़ों में। आई एम सॉरी सर, वो एक्चुअली रास्ते में सिचुएशन ऐसी हो गई थी, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। चलो ठीक है, फाइल दो अपनी। क्या है ये? सर ये मेरा रिज्यूम है। इसको रिज्यूमे बोलते हैं? इसमें तुम्हारी मार्कशीट कहाँ पे है? सर रिज्यूमे, मैंने अपना रिज्यूमे इसी में रखा था। अरे बस करो, मेरे सामने ना ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम जैसे 10 एम्प्लॉयज़ को ना डेली देखता हूँ, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे तौर तरीके और तुम इस ऑफिस में क्यों आई हो। पहले इंटरव्यू देने का सही तरीका सीखो, उसके बाद आना इंटरव्यू देने। सर लेकिन मेरी बात तो सुनिए। आई सेड गेट आउट। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, निकलो यहाँ से। May I come in, sir? Come in. Have seat. Sir, आज मेरा इंटरव्यू है और here is my CV. अच्छा, your resume. भाई बस करो यार, कितने ड्रामे करोगे अब? और वैसे भी उस लड़की को मैंने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है, तो अब HR की जॉब तो तुम्हें ही मिलेगी। Oh, I'm so excited for working in my new office. अच्छा हुआ तुमने मुझे प्लान बता दिया, वरना मैं तो यही सोच रही थी कि इस कंपनी में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। अरे यार तुम इतना क्यों सोचते हो, मेरे रहते तुम्हारे अलावा कोई यहाँ पे आ ही नहीं सकता था। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अरे सर आप यहाँ? हाँ मैं। वैसे एक बात बताओ, तुमने इसका इंटरव्यू लिया था क्या? अच्छा सर आप इस लड़की की बात कर रहे हो? सर आप जरा इनके कपड़ों को तो देखो, अब ये इस हालत में हमारी कंपनी में इंटरव्यू देने आई थी, ये हमारी कंपनी के बिल्कुल लायक भी नहीं है सर। और तो और सर इनकी CV में से ना इनकी मार्कशीट गायब है। अब आप बताओ ऐसी एम्प्लॉय हम अपनी कंपनी के लिए हायर कर सकते हैं? अच्छा वैसे हमारी कंपनी को HR की नीड थी, तुमने इसके लिए देखा कोई? सर आप उसकी फिक्र मत करो, ये है मिस प्रीति, मैंने इनको अपने HR के लिए सेलेक्ट कर दिया है। और तो और ये बहुत अच्छी एम्प्लॉय भी है, और एक बार इनके रिज्यूमे चेक करना, इनसे अच्छी एम्प्लॉय हमारी कंपनी के लिए मिल ही नहीं सकती थी सर। अच्छा वेरी गुड, लेकिन मैंने कुछ सोचा है कि इन दोनों का इंटरव्यू एक बार फिर से हो जाए, और इस बार हाँ तुम इंटरव्यू नहीं लोगे, इंटरव्यू मैं लूँगा, और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा दोनों से, इनमें से जो सही आंसर दे देगा उसका सिलेक्शन पक्का। अरे सर पर इसकी क्या ज़रूरत है, मैंने ऑलरेडी इनको सेलेक्ट कर लिया है, और मेरा यकीन मानो ये सच में बहुत अच्छी एम्प्लॉय है सर। हाँ सर इसकी क्या ज़रूरत है, मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। इसमें गलती क्या है, अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो मेरे क्वेश्चंस का सही आंसर दे देना, तुम दोबारा सिलेक्ट हो जाना। तो शुरू करें? ये लीजिए आपके पेपर्स, इसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अब जो भी क्वेश्चंस के सही आंसर देगा वो सिलेक्ट हो जाएगा, और जो भी गलत देगा वो रिजेक्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर ये लीजिए, हो गया। वेरी गुड, इतनी जल्दी? और तुम्हारा? ये
ये क्या, तुमने तो एक भी क्वेश्चन का सही आंसर ही नहीं दिया है और रिया ने सारे क्वेश्चंस का आंसर सही दिया है। विशाल, तुमने इसे क्या देख के सिलेक्ट किया? सर वो, चुप रहो तुम, ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, सही कह रहा हूँ ना मैं? पर सर आपको ये सब पता कैसे चला? अच्छा मुझे कैसे पता चला, जो प्रीति ने रिया के साथ नीचे हरकतें करी थी ना वो सब कुछ मैंने देख लिया। एक मिनट, अब रो क्यों रही हो? सर एक्चुअली मैं यहाँ पे इंटरव्यू देने आई थी और सर ने मुझे रिजेक्ट कर दिया बिना मेरी बात सुने। इवन मेरी क्वालिफिकेशन भी बहुत अच्छी बट उन्होंने मेरे कपड़े से मुझे जज किया। अच्छा तो ऐसी बात है, चलिए आइए मेरे साथ। अब मुझे साफ साफ पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है और तुम इसके साथ मिले हुए हो, तुम्हें शर्म नहीं आई ये सब हरकतें करते हुए? अपनी कंपनी से तुम धोखा कर रहे थे। मुझे ना एक लॉयल बंदा चाहिए था, एक लॉयल एम्प्लॉय चाहिए था इस कंपनी के लिए, और तुम, मैं तुम पे तो आग बन करके विश्वास करता था ना, और तुमने मुझे ही धोखा दिया। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम जैसे एम्प्लॉय की, अभी के अभी मेरी कंपनी से निकल जाओ। अरे नहीं सर, प्लीज़ प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालो सर। तुमने सुना नहीं क्या, आई सेड गेट आउट। और हाँ तुम भी जाओ इसके साथ। रिया कल से आप कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।